हाँ तो भैया लोग हम फिर आ गईनी। तो बात ये बा कि हमनी के बिहार में सरकारी नौकरी मिलल आ भगवान से भेंट भइल, एकदम बराबरे मानल जाए। कहे से कि भगवान के मंदिर तो हरेक 2 किलोमीटर पर 4 गो मिल जाई, लेकिन नौकरी अगर 200 सीट निकल जाओ तो 20 लाख लड़का अपन सर्टिफिकेट निकाल के लेटरिन का डिब्बा में बैठ। अरे मर्दे हंसत काहे बार लोग, जनरल बोगी में नहीं बैठल लोग कहीं। तो असली बात ये बा कि हमहू ये भगवान से भेंट करे का प्रयास में बनी, मतलब सरकारी नौकरी खोजतनी। तो चलिए लोग बतावत तनी कि अगर हमार सरकारी नौकरी हो जाए तो हमारे साथ का हो। दुआरा पयगुआ के लाइन लग जाए, दुआरा पयगुआ के लाइन लग जाए, काश सरकारी नौकरी हो जाए। काश सरकारी नौकरी हो जाए। हाँ, सरकारी नौकरी वाला लइकन के ब्याह ना होला, नीलामी होला, मतलब बोली लागता। कोई 5 लाख दे के दुआर कोरता कि महाराज ब्याह कोली, तो वही जो कोनो 10 लाख देवे पर तैयार बा। हाँ तो अब आगे ये सुनी लो कि अगर हमार सरकारी नौकरी लाग जाए तो हम काम का करती। हो सूट बूट लगा के हम ऑफिस में जाती, आ दिन भ बैठ के राजनीति बतियती। अब तो हनिये बताओ लोग कि ऐसा फायदा कोनो नौकरी में बा। अभी मेन फायदा तो है बा, एकरा खातिर नौकरी खातिर मरतनी। बिना पैसा के कवनो ना काम करती, भले दिन भर बैठ के आराम करती। आ घर भके लोग घुस के पैसा खाए। माने जितना ज्यादा ऊपरवार बा उतना ज्यादा तहार नौकरी इज्जतदार बा, ना तो बॉस मतलब खत्म। हाँ तो यही से कहतनी कि बिना पैसा के कवनो ना काम करती, भले दिन भर बैठ के आराम करती। घर भके लोग घुस के पैसा खाई, काश सरकारी नौकरी हो जाए। काश सरकारी नौकरी हो जाए। तो अब आगे ये सुनो लोगन कि अगर हमार सरकारी नौकरी लग जाए तो गांव जवार में का सिचुएशन रही। हो पूरा गौआ के लोग हमार करी बड़ाई, आई है सुनी सुनी पटीदार जड़ी जाए। हाँ तो हमनी के गांव जवार में एगो कहावत बा कि मसूरी के दाल आ पटीदार, जितने जड़ेला उतने मजा आवे। हमारे देखा देखी लोग लइका पढ़ाई, खेत बेच बेच ओकर नौकरी लगाई। तौ हो फेर घूस ले के खेत लिखवाइत, तौ हो फेर घूस ले के खेत लिखवाइत। काश सरकारी नौकरी हो जाए। काश सरकारी नौकरी हो जाए। तो भैया लोग जौन हमरा बुझाएल हो उतना भ हम लिख ले।